और जो भी शिकायत और भी कुछ होगी तो आप जितनी जल्दी हो सके आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि उसका सलूशन जो है हम लोग निकाल सकें। कई जगहों से यह हुआ है, सर्टिफिकेट उनका जो है सबके सब रख लिए गए हैं, सर्टिफिकेट रिटर्न कर दिए जाएंगे, केवल प्रशैक्षणिक और टेट के सर्टिफिकेट ही रखना है, बाकी सर्टिफिकेट नहीं रखना है। जो भी चयनित हुए हैं उनके मेरिट लिस्ट अगले 2 दिन में NIC पोर्टल पे अपलोड कर दिया जाएगा, इसकी कोई चिंता नहीं है कि इसको लेकर कोई आपको कन्फ्यूजन आना चाहिए। जो भी प्रश्न है जितनी जल्दी हो सके आप लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए ताकि उसका सलूशन जो है वो किया जा सके, क्योंकि काउंसलिंग की प्रक्रिया में बस 1.5-2 घंटे का समय बचा हुआ है। पहले तो ये बताइए कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर है, अगर आवाज़ क्लियर है तो मैं अपनी बातें कंटिन्यू रख पाऊँ। ओके, मेरी आवाज़ क्लियर है सो कैसे सर्टिफिकेट चेक जो है, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड हो रहे हैं पोर्टल पे उनको चेक किया जाएगा, और एट ए टाइम जो ऑन द स्पॉट सर्टिफिकेट चेक किए जा रहे हैं वो उसमें केवल और केवल टेट के सर्टिफिकेट को ही चेक किया जा रहा है। अगस्त में कब होगा उसकी शेड्यूल पहले से ही जारी कर दी गई है। सबको नमस्ते, सबने नमस्ते कहा है, नमस्ते। उन्नीस का जो कैंडिडेट्स है सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, बिल्कुल अभी जो काउंसलिंग चल रही है वो 19 का जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, क्योंकि 2019 की ही कट ऑफ और अप्लीकेशन का डेट था, इसीलिए उसी समय का वैलिड होगा। सो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। नमस्कार, बहुत टेंशन हो रही है, किस बात की टेंशन हो रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, सबने धन्यवाद कहा है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मीठापुर ब्लॉक में गड़बड़ी, जहां भी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही है, गड़बड़ी हो रही है, वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग से हम लोग चेक कर लेंगे, और चेक के बाद यदि गलत पाया जाएगा तो कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए इसकी चिंता आप बिल्कुल ना करें, जो होगा वो फेयर होगा, कहीं भी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर आप चाह रहे हैं, ज्वाइनिंग लेटर आपके सर्टिफिकेट चेक होने के बाद आपको दिया जाएगा। भटराही तरैया में क्या इशू है, फिर से लिखिए आप। दिसंबर सीटेट का क्या होगा? दिसंबर सीटेट का बताया जा चुका है क्या होना है। जिला सारण, आज जो काउंसलिंग कैंसिल होगा उसका काउंसलिंग की प्रक्रिया का डेट आपको पता हो जाएगा। हम लोग की कोशिश होगी कि जो कमिंग फेज में हो रहा है अगस्त में उसके साथ हम लोग उसको क्लब कर दें, क्योंकि जहां भी दिव्यांगजन का एप्लीकेशन आए थे वो नियोजित जो नियोजन इकाई प्रभावित हुआ था वहां की पूरी प्रक्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट किया गया है। तो आप सब जानते हैं कि अब बंदित लिस्ट, माई फाइनल लिस्ट, उसके बाद फिर उसका अनुमोदन और फिर अपलोड कर दिया जाएगा। EBC का कैंडिडेट अगर UR में चला जाएगा, बिल्कुल UR में जा सकते हैं, कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट रिप्लाई इन जनवरी दिसंबर सीटेट, वो मैंने कहा है पहले दीजिए। जिला सारण ट्रेनिंग सर्टिफिकेट,
जिनका भी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं बना है बीसीबीसी वाले, वो काइंडली बनवा लें। नेक्स्ट फेज में बिल्कुल 100% वो लिया जाएगा। इस फेज के लिए हम लोगों ने एक रिलैक्सेशन रखा था, क्योंकि नियोजन इकाई की गलती थी और उन्होंने केवल आपका जाति आवासीय प्रमाण पत्र लिया था, इसी आधार पर हम लोगों ने अलाउ किया। दूसरे दूसरे स्टेट का सर्टिफिकेट आप बता रहे हैं कि गलत है, तो वो सर्टिफिकेट चेक हो जाएगा, FIR होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सर्टिफिकेट गलत हो और उनका ले लिया जाएगा। चलिए, मेरे को आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया है, धन्यवाद सबको। लेकिन हर एक आदमी की समस्या का निदान हो जाए तभी मैं मानूंगा कि ये जो मैंने प्रोसेस किया है, नया वैकेंसी कब आएगा। ये बार बार एक ही क्वेश्चन को नहीं पूछिए, ज्वाइनिंग कब होगी बता चुका हूँ। पारू ब्लॉक में या फिर चकाई में या फिर अररिया में कुछ लेट से शुरू हुआ था। ज्वाइनिंग के लिए बता चुका हूँ 60 मोतीपुर, मुजफ्फरपुर का मोतीपुर। चलिए, आप जैसे युवा हैं तो मुझे भी आप सब पे प्राउड है कि आप सभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में आएंगे और हमारी जो एजुकेशन की जो ग्लोरियस पीरियड थी, जिसके लिए पूरा वर्ल्ड हमें जानता था, वह समय हम फिर वापस ला पाएंगे। हमारी जो स्टडी, हमारी जो एजुकेशन जो माहौल था, जो हमारे इतने अच्छे विद्वान बिहार से हुए हैं, फिर वह समय हम ला पाएंगे जब ऐसा लगेगा कि हम एजुकेशन में सबसे आगे थे और आगे रहेंगे। और नई पीढ़ी जो आप सब हमारी एजुकेशन सिस्टम में शिक्षक के रूप में आ रहे हैं, वो सभी के सभी बिल्कुल अच्छे हैं, क्रीम है, बहुत मेरिटोरियस है, यह भी मैंने देखा है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सब जब हमारे स्कूलों में जाएंगे तो हमारे जो शैक्षणिक माहौल है उसको बेटर करेंगे, बेहतर बनाएंगे और पढ़ने पाठन का जो माहौल है उसको आप पहले से बेटर बहुत अच्छा करेंगे। और चूँकि आप लोगों ने काफ़ी संघर्ष करके शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सभी बच्चों की तकलीफ को समझेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गरीब बच्चे, मध्यम वर्गीय बच्चे जो बच्चे हैं, उनको अगर अच्छे से शिक्षा नहीं दी जाएगी तो हम लोग जो है बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे। साथ ही जब तक अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चे का परवरिश अच्छा नहीं होगा, तो उस परिवार का जो गरीबी है उसको दूर नहीं किया सकता। यानी कि हम अगर एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम लोग गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो लाइव स्ट्रीमिंग की जा रही है हर 489 सेंटर से, उसकी वजह सिर्फ ये रखी गई थी कि जो जेन्युइन है, जो मेरिटोरियस है, उनका सिलेक्शन हो, किसी तरह की कोई सेटिंग नहीं हो, किसी तरह की कोई डिमांड नहीं हो। और इस तरह की चीज़ें अगर पकड़ी गई थी तो उन सब क्षेत्रों का, उन सब नियोजन इकाइयों का हम लोगों ने काउंसलिंग स्थगित करवा दिया है, रोकवा दिया है, क्योंकि उसको चेक करने के बाद ही किया जाएगा। कई जगहों पे देखा गया उनका रिसिप्ट है लेकिन उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, फेंक दिया, फाड़ दिया, जो भी हुआ। तो वैसी सूचनाएँ जितनी जगह से प्राप्त हुई है सभी जगह हम लोगों ने स्टॉप कराया है। तो आप लोगों को भी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसमें सहयोग करेंगे, आप लोग समझ सकते हैं जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है। और डिमांड जो है आप लोगों की तरफ से ही आया था कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। पिछले 2-3 दिनों में बहुत सारे नियोजन इकाइयों का बंद किया गया, क्लोज किया गया है। प्लीज हेल्प, क्या है सारण जिला में प्रखंड शिक्षक? देखिए, प्रखंड शिक्षक का तो नेक्स्ट राउंड में होना है, जिनका हो गया है उनका लिस्ट हम लोग जल्दी से जल्दी NIC पोर्टल पर डलवा देंगे। अल्फाबेट करेक्शन के लिए मैंने पहले ही बोला है, सरने में अल्फाबेट में कहीं दिक्कत हो तो एफिडेविट से उसका सोल्व कर सकते हैं, रिजल्व हो सकता है। और रिजल्व आज भी किया गया है, सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके नाम में, फादर्स नेम में, मदर्स नेम में कहीं भी कुछ अल्फाबेटिकल इरर था, सरने में गलती थी, तो उसको सुधारने के लिए
एफिडेविट को एक्सेप्ट किया गया, इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें। जहां भी कोई गलती, इवन कि मेरिट लिस्ट में भी नाम गलत है, कैटेगरी गलत था, उसको भी करेक्ट किया गया है। उर्दू सीटेट के बारे में पहले ही मैं बता चुका हूं कि सीटेट में जो 12 11 12 में हुए थे उसमें तो बीटेट में उनके उर्दू नहीं थे तो उनको अलाउ किया गया, लेकिन बाद के वर्षों में जो हुए हैं टेट उसमें उर्दू होना ज़रूरी था। जब आपने 2019 में EWS आपके पास नहीं था और नया आपने अभी EWS बनाया है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मूल आवेदन के साथ जो सर्टिफिकेट है, मैंने पहले भी कहा है, मूल आवेदन के साथ जो सर्टिफिकेट है उसके सर्टिफिकेट और आज के सर्टिफिकेट के स्टेटस में अगर चेंज होता है तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे आप उस समय EWS नहीं थे, आज आप बना लिए हैं, तो आज के EWS के हिसाब से आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर उस समय बनाया था और उस समय का ही सर्टिफिकेट है तो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अभी के सर्टिफिकेट आप लगा के अपने कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी कैटेगरी का हो, आज 2021 का सर्टिफिकेट के आधार पर 2019 को नहीं बदला जा सकता, लेकिन 2019 का सर्टिफिकेट और 2021 का सर्टिफिकेट दोनों अगर मैच करता हो, मैच का मतलब स्टेटस चेंज नहीं होता होगा, तो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 2019 के सर्टिफिकेट बहुत लोगों के खो गए हैं, इसलिए हमने एक प्रावधान यह रखा था। जो पंचायत का कैंसिल हो गया है वो नेक्स्ट फेज में हमारे साथ उनका काउंसलिंग कराया जाएगा। सीटेट दिसंबर जनवरी नाउ। गोपालगंज में किसी ब्लॉक का मेरिट लिस्ट लेकर कीजिए, कितने सीटों के पदों पे बहाली होगी सातवें चरण में, इंग्लिश होना ज़रूरी है स्टेट के लिए, जो जिस सर जो भी आप टेट में पास किए होंगे वही सर्टिफिकेट जो है आगे अलाउड होगा। 65 वाला का कब होगा, 65 वाले का कब होगा, आई डोंट नो कि क्या कहना चाह रहे हैं। 65 वाले का क्या होगा, 65 वाला का कब होगा, 65 वाला मैं समझा नहीं, 65 मतलब कौन सा 65। वो सही है कि फाइनल सर्टिफिकेट में ही वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अटैच हैं, डोंट वरी, वही सर्टिफिकेट आपको देना है। गोपालगंज में अभी तक कहीं भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं अभी आया है, फाइनल मेरिट लिस्ट का जो है काम चल रहा है, और चूंकि आप सबको पता है कि जहां भी दिव्यांगजन द्वारा डाला गया था आवेदन वहां पे अभी अपबंधित ओरिजिनल मेरिट लिस्ट निर्माण का कार्य चल रहा है। दावा आपत्ति का निराकरण जो है, क्योंकि 9 तक दावा आपत्ति करनी थी, उसके बाद में उसका निराकरण करके फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का काम चालू होगा। संबंध में सीटेट को लेकर कुछ तो मैंने मुजफ्फरपुर क्लास 6 से 8 में बीसी कैटेगरी ग्रेजुएशन 45 ए मान है। बिल्कुल मान है, अगर 10+2 में भी 45 भी है इट्स ओके, बट ग्रेजुएशन के आधार पर आपने बीएड किया होगा ग्रेजुएशन में तो आपका मान होगा, पर अदरवाइज जो है 50% मिनिमम जो है वो मार्क्स चाहिए 10+2 में। सेकेंड राउंड का काउंसलिंग कब से होगा सर, काउंसलिंग का डेट आपको बता दिया जाएगा। 67 BPSC के लिए ऑप्शनल पेपर, मैं 67 BPSC के लिए अलग से सेशन लूँगा तो मैं बताऊँगा। अभी पारू को लेकर आप लोग कंप्लेन कर रहे हैं, बिल्कुल हमारे नज़र में है, वहाँ का लाइव हमने देखा है, उस पर जो भी ज़रूरी होगा कार्रवाई की जाएगी। अगले 5 मिनट तक मैं और आप लोगों के क्वेश्चंस को लूँगा, उसके बाद फिर 5 मिनट के बाद मैं लाइव आऊँगा, उस सबका सॉल्यूशन को लेकर और सभी समाधान को लेकर,
तो 5 मिनट नेक्स्ट 5 मिनट्स में आपको जो भी चैट बॉक्स में आपको मैसेज देना है जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए ताकि मेरे पास आ जाए आपके जो क्वेरी है, जितने भी प्रश्न हैं वो जल्दी जल्दी करा दीजिए। क्रिमिनल लेयर जरूरी है, ABC के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। दिव्यांग 80% देखिए, दिव्यांग जन के लिए जो आपको पता है कि BTET में 50% ही है, तो 50% है, लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में अगर उनका मेरिट है तो वो वहाँ जा सकते हैं। समय पर ना होगा तो सही होगा, समय पे ही होगा सब कुछ। सर्टिफिकेट मार्कशीट के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सीटेट दिसंबर 7वें चरण में शामिल किया जाए या यकीन दिलाया जाए? सीटेट को अगले चरण में शामिल किया जाए, यकीन दिलाया जाए। नेक्स्ट वैकेंसी टीचर की कब आएगी? 60% पे होगा 6 से 8 का। दिव्यांग सीट क्लियर नहीं किया गया है, जहाँ भी क्लियर नहीं उसको क्लियर करने के लिए कहा गया। कैमरा कैंसिल हो गया है। बहुत सारे पंचायतों का काउंसलिंग वहाँ गड़बड़ी हो रही थी इसलिए रोकी गई है, कार्रवाई की जाएगी, FIR की जाएगी। और जिनका भी रिसिप्ट था और उनको बाहर किया गया था उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसीलिए गड़बड़ी वाले सभी पंचायतों का काउंसलिंग को हम लोगों ने स्टॉप किया है। हिंदी में 65% हो जाएगा या नहीं? देखिए, आपके मेरिट जितना भी हो सबके होने की संभावना है, इसलिए कितने परसेंट पे किसका होगा। नाम था अनिल कुमार, क्या हुआ प्रॉब्लम? सर्टिफिकेट चार अगस्त काउंसलिंग, आपका नाम क्लियर कीजिए जितनी जल्दी हो। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, 5 मिनट बाद फिर मैं लाइव आऊँगा, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए। 5 मिनट बाद फिर मैं कॉल भी रिसीव करूँगा सबके कॉल्स के साथ, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे, कब से होगा सेकेंड राउंड बता दिया जाएगा। 4 अगस्त को काउंसलिंग पर ध्यान दिया जाए, सब पे ध्यान दिया जा रहा है आज, चूँकि 12 का सबसे अधिक नियोजन इकाई में आज चल रहा है इसलिए इस पर भी ध्यान है और आगे भी ध्यान दिया जाएगा। NIC पे अपलोड होगा, सब कुछ NIC पे अपलोड हो जाएगा। जो चयनित हुए हैं उनका भी लिस्ट अगले 2 से 3 दिनों में, पहले वाले जो 6 से 8 वाले हैं उनका 2 दिनों में, और आज जो हो रही है उसको 3 से 4 दिनों में सब कुछ अपलोड हो जाएगा। नोटिफिकेशन निकालिए प्लीज़, संस्कृत विषय कैंडिडेट सीटेट में फर्जी बहुत है, फर्जी करके टॉप किया है, 99% तक नंबर लोग लेके आए हैं, 90% भी नंबर लेके आए हैं। तो ये समझ लीजिए कि फर्जी वाले का तो FIR होना ही है और बाकी जो है उनको जेल भी हो सकती है, इसीलिए फर्जी वाले को पहले ही चेताया गया था कि वो काउंसलिंग में ना जाए। छियासठ वाले का होगा कि नहीं, 6 से 8 में काउंसलिंग, 83 वाला जनरल का सीट ले रहा है। स्पष्टता के साथ जो है चैट बॉक्स में पूरी बातें रखिए, और अगले 2 मिनट और मैं हूँ, उसके बाद 5 मिनट बाद फिर मैं लाइव आऊँगा, 5 मिनट बाद मैं लाइव आऊँगा, आप सभी जुड़िएगा और जो क्वेश्चन होगा बता दीजिएगा। अगले 5 मिनट के बाद फिर मैं लाइव हो जाऊँगा, जो भी क्वेश्चन है आप जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए। ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा बता चुके हैं, सर्टिफिकेट चेक होने के बाद मिलेगा। पीटा गया छात्र, कहाँ पे पीटा गया है छात्रों को? हाउ कैन पॉसिबल वेयर? आप मेरा भी सुनिए, आवेदन में क्रिमिनल नहीं दिया, अब ले जाना होगा। हाँ, अब ले जाना है, जिनका बन गया है वो लेके जाएंगे। जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है नेक्स्ट फेज में वो अपनी काउंसलिंग कराएं।
डोमिसाइल अभी लागू नहीं है, डोमिसाइल जो है वो नेक्स्ट फेज जब होगा, चूँकि 2019 के हम हिसाब से कर रहे हैं, अभी 2020 में हम लोगों ने नियमावली में चेंज करवाया जिसमें कि डोमिसाइल भी है और टेट का मार्क्स भी जो है वो केवल क्वालिफाई है, उसमें कोई वेटेज भी नहीं मिलने वाला है और ऑनलाइन होगी। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन होगी नेक्स्ट फेज में, तो और जब ऑनलाइन होगी तो कोई भी जो गड़बड़ी हो रही है ऑफलाइन में वो सब नहीं हो पाएगी। स्टेट 2019 का क्या होगा, बाकी चीज़ें जो है अभी समय नहीं है। आज जो काउंसलिंग हो रही है उसके संबंधित जो प्रश्न है उसको पूछिए। 64वीं परेशान वाला कब होगा सर, 64% वाले का कब, अच्छा 64% वाले का बिल्कुल जब ऊपर वाले का हो जाएगा तो उनका भी हो जाएगा। NIOS वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जो भी है आप अगले 5 मिनट में मेरे चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी अपनी जो है मैसेज डाल दीजिए, अपनी क्वेरी डाल दीजिए, मैं अगले 5 मिनट के बाद फिर लाइव हो रहा हूँ। और सिलेक्शन हो गया है तो सिलेक्शन हो गया है, बहुत बहुत बधाई सबका जिनका भी सिलेक्शन हो गया है।